अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मदीहा। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ धुआं दही गोश्त और आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें जो चाहिए इसके लिए सामान वो देख लेते हैं। मेरे पास बकरे का गोश्त है 1.5 किलो जितना, और 2 प्याज है मेरे पास, दही 1 प्याली दही ले लें, धनिया पुदीना और हरी मिर्च चाहिए। मुझे रायते के लिए चाहिएंगे तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने लिया है, 2 टेबल स्पून जितनी। हंसी जायका नमक, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, साथ में बस लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/1 टेबल स्पून, और प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है लच्छों में, जिस तरह लच्छेदार प्याज कटती है नॉर्मल गोल गोल वो, और कोयला चाहिए दम के लिए। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, मैं इसको भी कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। अगर आप पतीले में बना लें तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गोश्त को गलाने में, इसे मैं कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, प्याज को लाल कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन जितनी हो जाए तो। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, सिर्फ हल्का सा गोल्डन करना है, उसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। मैंने गोश्त डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी साथ ही, ताकि उसको लहसुन में बहुत अच्छे से भून लूँ, ताकि इसमें कोई हीट ना आए गोश्त में। आप इसको गोश्त को अच्छे से भून लें, देखें कैसे मैं भून रही हूँ इसी तरह से। अब देखिए इसका जब कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है, अब इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी के साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर भी आप डाल दें अभी ही, सारे जो हमारे पास मसाले हैं वो हम सब डाल देंगे इसमें, नमक। अब सारे मसाले डाल के इसको भून लें अच्छे से, ताकि गोश्त के अंदर इसका टेस्ट आ जाए और कलर आ जाए। उसके बाद हम इसको जब अच्छे से ये भुन जाएगा, अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर, देखें कितने अच्छे से इसमें कलर आ गया है। मैंने इसको 5 मिनट तक भुना है गोश्त को, ताकि उसमें कोई हीट ना आए। अब मैं इसके अंदर 1 कप जितना पानी डाला है मैंने, और मैं उसको गलने के लिए रख दूँगी, ताकि कुकर प्रेशर कुकर लगा के। अब साथ में जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च थी उसको पीस लिया है, उसको मैं दही में मिक्स कर दूँगी ताकि वो रायता बन जाए। अच्छा, ये आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो भी आप ये इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है ये सालन, और ज़रूर आपके सबको पसंद आएगा। आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा, और आपने ट्राई किया तो देखिए इतना अच्छा सा रायता बन गया है। साथ प्याज रहती हूँ और हमारे कोयला रहता है जिसको हमने दम देना है। कुकर खोल लिया है, अब मैं इसका पानी खुश करूँगी, और प्याज वगैरह हर चीज़ इसमें गल चुकी है, अब कुछ भी दिख नहीं रहा है, हम इसको भून लेंगे। देखें अब ये सालन बन चुका है, और कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है इसके अंदर, बहुत अच्छी। अब सालन भुनने लगा है, जब इसका ऑयल अच्छे से बाहर आ गया है आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, डन है ये हमारा मसाला। अब इसको डिश आउट करेंगे हम अच्छे से भूनने के बाद, देखें बहुत अच्छे से कलर आ रहा है इसमें। अब मैंने सालन को रिशॉर्ट कर लिया है, अब इस तरह से इसको पहले निकाल लें। अब इसके ऊपर पूरा दही डाल लेंगे हम इस तरह से, जो हमने रायता बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने इसको दम कोयले का लगा दिया था फौरन ही, जैसे ये भुना था, दम लगाने के बाद कोयले का धुआं देने के बाद, अब मैं इसके ऊपर इस रायते को डाल रही हूँ, और जो हमने प्याज काट ली थी हम उस प्याज को डाल देंगे, और ये बहुत अच्छा लुक देता है, और ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।